इंदौर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि कुछ व्यापारी द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है और प्रतिबंधित प्लास्टिक को रखा जा रहा है। उसी के चलते ऐसे लोगों पर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है और फाइन भी लगाया जा रहा है। दरअसल प्लास्टिक पर्यावरण के साथ ही जीवन के लिए घातक है और सिंगल यूज प्लास्टिक का किसी भी प्रकार से कोई निपटान नहीं होता है, इसलिए इंदौर में सिंगल यूज प्लास्टिक की विभिन्न सामग्रियों को प्रतिबंधित किया गया है। इसमें प्लास्टिक कोटेड पेपर ग्लास, प्लेट, कप भी सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी में ही आते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने के बावजूद भी व्यापारियों द्वारा इसे बेचा जा रहा है, जिसके चलते आज इंदौर की सिंधी कॉलोनी में गली नंबर 1 में न्यू आशीर्वाद डिस्पोजल सेंटर पर कार्रवाई की गई, जहां करीब 500 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक पकड़ाया गया। इस पर कार्रवाई की गई और स्पॉट फाइन भी लगाया गया। जैसे कि पॉलीथीन कैरी बैग के संबंध में प्रतिबंध है और प्लास्टिक डिस्पोजेबल आइटम जो है उसके संबंध में भी 2001 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें प्लास्टिक के चम्मच और डिस्पोजेबल प्लास्टिक के ग्लास, स्ट्रॉ, इस तरह के जो आइटम थे वो सभी बैन किए गए थे। पॉलीथीन को लेकर भी गाइडलाइन जारी हुई थी कि जो है उसकी मोटाई जो है, थिकनेस जो है, पहले 75 माइक्रॉन और उसके बाद में 1 जनवरी से फिर वो 120 माइक्रॉन के ऊपर होगी, वही चीज़ अलाउ है। उसको देखते हुए आज मैडम ने हमको जो निर्देश दिए थे कि पॉलीथीन के संबंध में कार्रवाई की जाए, हमारे पास हमने जानकारी एकत्रित की और एक जानकारी के तहत हम सिंधी कॉलोनी स्थित न्यू आशीर्वाद डिस्पोजल पे आए हैं और यहाँ पर हमको जो है जो बैन आइटम है, जैसे पॉलीथीन कैरी बैग और प्लास्टिक के स्ट्रॉ हैं, डिस्पोजेबल जो है कप्स वगैरह है, इस तरह के आइटम जो है उस पर जब्ती की कार्रवाई की जा रही है और इन पर स्पॉट फाइन किया जाएगा। We'll be right back.